में स्वागत है। और यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब के बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आइए हम बढ़ते हैं। और आज मैं थोड़ी सी ये एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि हीरा लाल शाह साहब ने मुझसे पूछा था कि सर ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक इट्स इलेक्ट्रिकल का शेयर बताइए प्लीज़। तो खैर ये हम आज ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके स्टॉक के बारे में जानेंगे, उसके प्राइस के बारे में जानेंगे। और ये देखिए हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, पहले थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। सॉरी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड इज़ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट सी के बिरला ग्रुप। ये सी के बिरला ग्रुप की कंपनी है और डिस्टिंग्विश नेम इन द इंडियन फैन इंडस्ट्री। ओरिएंट फैन कौन नहीं जानता, ओरिएंट के स्विच गेयर, स्विच बोर्ड्स और छोटे छोटे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो हैं बनाती है। और पिछले 60 ईयर्स मतलब 60 सालों से ज़्यादा इनका लंबा इतिहास है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक हैज़ टुडे एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द मार्केट एज अ वन स्टॉप ब्रांड फॉर लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन विच इंक्लूड फैंस, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस एंड स्विच गेयर्स। ओरिएंट इलेक्ट्रिक टेक्स प्राइड इन इट्स R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूस इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू मैनुफैक्चर कटिंग एज लाइफ स्टाइल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू एज कंज्यूमर्स। खैर इन्होंने अपनी बारे में बताया है। नाउ डोमिनेटिंग प्रेजेंस इन ओवर 35 अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में इनकी पकड़ है। इट्स ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट मैनुफैक्चरर, मतलब दूसरी सबसे बड़ी LED बल्ब्स की प्रोड्यूसर है इन इंडिया एंड द फर्स्ट इंडियन लाइटिंग ब्रांड टू हैव बीन अवॉर्डेड BEE स्टार रेटिंग फॉर LED बल्ब्स। मतलब इनको पुरस्कृत किया जा चुका है LED बल्ब्स में। और ये पहले ऐसे भारतीय कंपनी इन द डोमेस्टिक मार्केट। इट हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। करीब 4000 डीलर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं जो दुकानें होती हैं इलेक्ट्रिक्स की, एंड अ स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क कवरिंग 320 सिटीज। अब प्रोडक्ट्स में जैसे कि फैंस हो गए, होम अप्लायंसेस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग की हो गई, लेडीज़ बल्ब इट्सा। चलिए हम वेबसाइट पे अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस ओरिएंट इलेक्ट्रिक में अगर रुचि है। बाकी फ़िलहाल मैं इसके फाइनेंशियल के बारे में बता देता हूँ आपको, क्या भाव चल रहा है इसका। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड BSE पर 23 अप्रैल 2019 12:16 हो चुके, 156.50 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। और 52-week लो इसने नॉन, मतलब अभी रिसेंटली ये 1 साल ही हुए हैं मुझे लगता है कि लिस्टेड हुए लास्ट। यहाँ पे अगर हम 1 ईयर का देखते हैं तो 15 मई 2018 से यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली 1 वर्ष हुए हैं इसको लिस्टेड हुए। एनीवेज मार्केट कैप है 3320 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अर्निंग पर शेयर हो गया इसका 3.66, ये काफ़ी कम लग रहा है मुझे जिस हिसाब से उसका प्राइस है। और पी देखिए 42 का है पी भी, हालांकि पी इन इंडस्ट्रीज़ की FMEG की जो होती हैं जनरली थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, परंतु इसका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। EPS भी कम लग रहा है, इंडस्ट्री पी है 54 की और इंडस्ट्री पी से अपनी अभी कम है। फेस वैल्यू 1 की है, प्राइस टू बुक है 12.61, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और 65% डिलीवरेबल स्टॉक है। यहाँ पे हम देखिए कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं पिछले लास्ट। तो मार्च 2018 में जो नेट सेल्स थी इसकी 623 करोड़ की, जून 2018 में रह गई सिर्फ 435 करोड़ की और सितंबर 2018 में 375 करोड़ की। तो लगातार यहाँ पे डाउन साइड है। और दिसंबर 2018 में रह गए 420 करोड़, जो कि सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा था नेट सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जहाँ मार्च 2018 में 82 करोड़ की थी और जून 2018 में रह गए 26 करोड़ कुछ की, और सितंबर 2018 में 17 करोड़ की और दिसंबर 2018 में 17 के मुकाबले यहाँ थोड़ी सी बढ़ा थे। और नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं तो मार्च 2018 में जो 46 करोड़ की थी वहीं जून 2018 में काफ़ी कम हो गई 12 करोड़ के आसपास, और सितंबर 2018 में भी 6 करोड़ की रह गई और दिसंबर 2018 में यहाँ पे 11 करोड़। तो लगातार यहाँ पे देखिए यहाँ डाउन साइड है और सितंबर 2018 के मुकाबले इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में बढ़ा थे। तो फ्रेंड्स इस पे और बैलेंस शीट पे देखिए टोटल डेट है जो 164 करोड़ का, चलिए डेट हम इग्नोर कर सकते हैं, जितनी बड़ी इनका व्यापार है उस हिसाब से कर्जा इन पे बहुत ज़्यादा नहीं है, है लेकिन इतना चलता है। लेकिन इनकी जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े से
बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम देखेंगे कि Q4 के भी आने वाले हैं, अभी बहुत सारी कंपनियों के आने शुरू हो जाएंगे, तो तब भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और देखिए अभी क्वालिटी, गुड क्वालिटी कंपनी है नो डाउट, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव, और फाइनेंशियल ट्रेड भी फ्लैट हैं। रिटर्न्स में जाते हैं तो पिछले एक साल के रिटर्न नॉट अप्लीकेबल, हाँ यहाँ से ही अवेलेबल है। तो ईयर टिल डेट में 8% का दिया, 6 मंथ में 33% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, और 3 मंथ्स में 5.60 का रिटर्न है, और 1 मंथ में 8.01% का रिटर्न है, 1 वीक में 2% करीब नेगेटिव है, 1 डे में भी 0.16% की अपसाइड है। और प्रमोटर्स के पास 38.52% के होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 33 स्कीम्स ने पैसे लगा रखा, करीब 14.23%, और FIIs 22 FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो करीब 22 हैं, 4.34% की होल्डिंग है, जो कि अच्छे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, खुदरा ग्राहक की 16.36 के, सॉरी। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इन्होंने अभी 6 फरवरी 2019 को 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, तो ज़रूर, और अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी है, प्राइवेट हाउस है। दोस्तों अभी हमने इसके बारे में मोटा मोटा ये जानने की कोशिश की कि हमें ऐसी कंपनी में फ़िलहाल क्या करना चाहिए जिसका भाव अभी 156 रुपये है। तो निसंदेह बहुत सारी जो इसकी पीयर कंपनीज हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव तो लग रहा है, लेकिन अभी इसके फाइनेंशियल ट्रेंड उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि ROC हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, जो तो वो अभी बहुत कम है। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेना चाहते हैं अगर कोई निवेशक इसमें, तो कंपनी एक ज़बरदस्त गुड क्वालिटी कंपनी है एज़ पर मैनेजमेंट, तो और एक इनके प्रोडक्ट्स हैं वेरी सॉरी, क्योंकि घर घर कंज्यूमर्स में यूज़ होते हैं, ओरिएंट फैंस के बहुत सारे प्रकार आते हैं, धोनी साहब इनका ऐड करते हैं, कौन नहीं जानता, तो हमेशा चलने वाले इनके बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी ग्रोथ करती रहेगी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें अभी नज़र नहीं आए, तो हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कुछ करे, और करती भी आई चूँकि पुरानी कंपनी है और CK बिरला ग्रुप की कंपनी है अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपका रुझान है ये इस कंपनी में लेने का, तो कुछ शेयर्स थोड़ी सी गिरावट पे आप अगर नीचे के लेवल मिलता है तो रख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में सब कुछ चल रहा है तो बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट कभी भी नीचे भी आ सकता है, तो जब नीचे आएगा तो हो सकता है कि आपको और अच्छे प्राइस पे ये मिल जाए, या हो सकता है अभी Q4 के इसके रिजल्ट्स आने वाले तो वो देखने के बाद भी इस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसके पश्चात भी देखा जा सकता है स्टॉक में। तो नज़र बनाए रखिए इस पे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, मैं सुझाव दूंगा, और कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा करें। थैंक यू फ्रेंड्स।